अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का हेल्थ एंड डिसीज़ का जो आप लोगों का नेक्स्ट बिट है डिसीज़ के अंदर हम लोग देख रहे थे जो फिलेरियासिस हो गया है, मलेरिया हो गया है, एस्कैरियासिस हो गया है और अमीबियासिस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो है इंटेस्टाइन का यानी के जो छोटी आंत है उसका क्या होता है, मर्ज होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस वजह से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक टाइप की बैक्टीरिया होती है और ये बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है जो इंसान के जो पेशेंट है उसके जो है इंटेस्टिनल ल्यूमेन को में पाई जाती है, यानी कि इंसानों की जो छोटी आंत है इसके अंदर ये पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइफाइड जो है ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, इंटेस्टीन का इन्फेक्शन है और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। उसके बाद जो है ये बैक्टीरिया आलूदा ग़िज़ा और पानी के अंदर जो है वो मौजूद होता है, यानी कि इस बैक्टीरिया से आलूदा ग़िज़ा और पानी इस मर्ज़ का अहम ज़रिया होता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया मरीज़ के फुजले में भी पाया जाता है जो मरीज़ के रबते में आने वाली अशिया से फैलता है। उसके बाद जो है पैथोजेनिसिटी इज़ ड्यू टू ओ एंटीजेन लिपोपॉलीसेकेराइड्स LPS प्रेजेंट ऑन द सर्फेस कोट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्लैजेला पे जो है वो एच एंटीजेन है। अब यहाँ पर आप शक्ल देखिए, शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल्मोनेला टाइफी की शक्ल है। आप लोगों को जो है इसकी लेबलिंग के लिए भी आएंगी और पहचानने के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो फ्लैजेला है, बाल टाइप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, हेयर लाइक ग्रोथ, इसे फ्लैजेला कहेंगे और उसके ऊपर एच एंटीजेन पाया जाता है। फ्लैजेला पर कौन सा एंटीजेन है? एच एंटीजेन। उसके बाद जो है सेल वॉल जो है सोमैटिक बॉडी के ऊपर जो रेड कलर की यानी लाइनिंग दिख रही है उसके ऊपर ओ एंटीजेन मौजूद है, या इसे हम सेल वॉल एंटीजेन कहते हैं। और ये सेल वॉल एंटीजेन जो है वही पैथोजेनिसिटी मतलब कि बीमारी फैलाने के लिए ज़िम्मेदार है। और उसके बाद जो कैप्सूल यहाँ पर नज़र आ रही है उस पर जो है आपको के एंटीजेन या VI मौजूद होते हैं। तो ये याद रखना है कि पैथोजेनिसिटी जो है ये ओ एंटीजेन की वजह से है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, अलामतें क्या होंगी? इस मर्ज़ में जो है बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब कोई किसी किताबों में 102 से 103 लिखा हुआ है, तो जो आप लोगों को न्यू सिलेबस में दिया गया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। जनरल नौसिया, फटिग एंड हेडेक, दर्द सर होता है सर, उसके बाद जो है वो मतली होती है और फटी यानी कि थकन होती है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया है, यानी कि पेट में दर्द होता है और उसी तरीके से डायरिया भी होता है। रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन, यानी कि लाल कलर के जो है रैशेस जो है स्किन के ऊपर नज़र आते हैं। इसके बाद है वाइट कोट ऑन टंग, यानी कि ज़बान पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है और ज़बान का मज़ा जो है वो चला जाता है। कफ होता है, खांसी होती है। एनोरॉक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, याद रखें वर्ड इम्पॉर्टेंट है, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का ना लगना यानी एनोरॉक्सिया। इफ़ नॉट ट्रीटेड ब्रीथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड हेमरेज, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद हार्ट बीट जो है दिल की धड़कन भी इरेगुलर हो जाती है और हेमरेज होने के भी चांस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये फैलता है? तो देखिए, इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज़, यानी कि ये आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से फैलता है। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच फीड ऑन द फेशियल मैटर, वे ट्रांसफ़र द बैक्टीरिया टू फूड मटेरियल, यानी कि जो भी फुजला होता है, जो गंदी चीज़ होती है उसके ऊपर मक्खियाँ और कॉकरोच बैठेंगे और इस तरीके से वो बीमारी को ट्रांसफ़र करेंगे, बैक्टीरिया को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, फूड मटेरियल तक ले जाएंगे। पुअर हाइजीन हैबिट एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड, यानी कि अगर कभी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं या सैनिटेशन अच्छा नहीं होता है तो ये इस बीमारी के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विडाल टेस्ट,
इज डायग्नोस्ड यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है. ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन सीवियर केसेस. और जो सीवियर केसेस अगर हो जाए तो इस टाइम पे गॉल ब्लैडर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. गॉल ब्लैडर यानी कि जो सफरावी थैली होती है. उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स कौन से दिए जाते हैं? क्लोरोमाइसिटिन इज़ हेल्पफुल ट्रीटमेंट. याद रखें आप लोगों को एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक. देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो टाइफाइड है वो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है. इंटेस्टिन की बीमारी टाइफाइड है, बैक्टीरिया की बीमारी है. कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी. इसके बाद पैथोजेनिसिटी कौन से एंटीजन से है? ओ एंटीजन से. ओ एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? ओ एंटीजन सरफेस पे पाए जाते हैं. LPS का फुल फॉर्म है लिपोपॉलीसेकेराइड. फ्लैजेला पे कौन से एंटीजन है? फ्लैजेला पे H एंटीजन है. बुखार कितना होता है? 104 डिग्री होता है, फेरेनाइट होता है. उसके बाद एनोरॉक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना क्या कहलाता है? एनोरॉक्सिया. रोज रेड कलर्ड रैशेस ऑन स्किन यानी कि लाल कलर के जो चट्टे होते हैं वो स्किन पर आते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है. उसी तरीके से क्वेश्चन आता है फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज़ यानी गंदे पानी और ग़िज़ा की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन से है? तो टाइफाइड है. डायग्राम भी आपको आएगा. फिर डायग्नोसिस के अंदर क्या आएगा, कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट होता है. उसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ होती है? क्लोरोमाइसिटिन. फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड WHO रिकमेंडेड 2 वैक्सीन्स. उसके अलावा WHO ने 2 वैक्सीन, 2 टीके दिए हैं. एज ओरल वैक्सीन का नाम है TY21A ओरली यानी कि मुंह से जिस तरीके से पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते हैं उस तरीके से जो वैक्सीन है वो है TY21A. ये ओरल वैक्सीन है. और जो इंजेक्टेबल है जिसका इंजेक्शन दिया जाता है उसका नाम है टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जो मार्केट में जो है किस नाम से बेची जाती है? TYFIM VI एंड टाइफेरिक्स. याद रखना है ओरली कौन सी है? TY21A वैक्सीन. और जो इंजेक्ट की जाती है वो है TYFIM VI एंड टाइफेरिक्स. तो यहाँ पर हमने टाइफाइड के बारे में देखा. इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है निमोनिया. अब यहाँ पर देखिए निमोनिया के अंदर जो है क्या होता है, और बहुत ज़्यादा आम है ये निमोनिया. ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है. इन्फ्लामेटरी कंडीशन यानी कि इसके अंदर सूजन हो जाएगा. इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है ऑफ लंग्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. किसकी सूजन? लंग्स की यानी कि फेफड़ों की, या जो एल्वियोलाई होते हैं फेफड़ों के अंदर उनकी सूजन हो जाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ द पैथोजन विच में वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस RSV. देखिए वायरसेस के नाम दिए गए हैं. वायरस की वजह से भी फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से भी फैलता है. तो कौन से वायरस है याद रखना है? इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस. इंपॉर्टेंट है RSV का फुल फॉर्म पूछेगा. और कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है निमोनिया के लिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. और फंगल पैथोजन जो है वो निमोसिस्टिस जीरोवेसी एंड निमोसिस्टिस कारिनी. तो यहाँ पे फंगल पैथोजन भी है, उसी तरीके से बैक्टीरिया की वजह से भी है और वायरस की वजह से भी. तो आप ये बार बार नोटबुक में नाम लिखिए और याद कीजिए. निमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द केमिकल बर्न और फिजिकल इंजरी टू लंग्स. अगर इंसान के फेफड़े जो हैं कोई वजूहत की वजह से, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, केमिकल की वजह से बर्निंग हो गई है या फिर कुछ फिजिकल इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है और लंग्स को इससे नुकसान हुआ है, तो भी निमोनिया होगा. साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्या अलामतें हैं? कफ प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्प्यूटम और फ्लैम. यानी कि जो क्या है, मुंह से जो बलगम निकल रहा है या खांस रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पीले रंग का बलगम जो है वो खांसी के साथ आता है. हाई फीवर, बुखार ज़्यादा होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसको कहते हैं डिस्पनिया. अब याद रखें सांस लेते वक्त जो है वो तकलीफ़ हो रही है, कम आ रही है, ब्रीथ जो है उसमें लेने में मुश्किल हो रही है, इसे कहेंगे डिस्पनिया. अब ये नए वर्ड्स जो है वो ऐड हुए हैं. देखिए आप यहाँ पर जो हमने पहले टाइफाइड में भी देखा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एनोरॉक्सिया,
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसको बोलेंगे डिस्पनिया। चेस्ट पेन ड्यूरिंग द ब्रीथ डीप ब्रीथ और कफिंग, यानी कि गहरी सांस लेते वक्त क्या होता है मुश्किल होती है, चेस्ट में दर्द होता है, छाती में और खांसी भी आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फटीग यानी थकन, हेडेक यानी सर दर्द, वोमिटिंग यानी कि मतली खय होना, जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द है, एंड मसल एक यानी कि मसल्स में भी क्या होता है दर्द होता है। तो ये तो हुए हैं निमोनिया के सिम्टम्स। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से फैलता है निमोनिया में, मोस्टली स्प्रेड बाय द डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी अगर पर्सन से पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो उसके वजह से हमें फैलेगा, यानी कि अगर वो पेशेंट खांसता है छींकता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं और इस वजह से निमोनिया फैलता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट रीड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय यूजिंग द शेयर्ड क्लॉथ एंड यूटेंसिल, एक दूसरे के इस्तेमाल की कपड़े हैं वही शेयर कर रहे हैं या एक दूसरे के यूटेंसिल्स है बर्तन है उसका भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी क्या होगा ये फैलेगा। अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द पैथोजन लीडिंग टू द डिसीज़, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि पैथोजन ने कहाँ तक ये बीमारी को फैला दिया है। फॉर बैक्टीरियल निमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक, अगर बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ है तो इसे दिया जाता है बेंजाइल पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, ये तीनों भी इफ़ेक्टिव होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर बेंजाइल पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल ये इफ़ेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों को निमोनिया फैलाने वाले जो भी क्या है पैथोजन्स है इनकी डायग्राम यहाँ पे दी गई है। देखिए एडिनोवायरस है, ये है लेजियोनेला निमोफिला, इसके नीचे जो गोल राउंड दिख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और ये एस्परगिलस है मोल्ड है। तो डायग्राम भी आप लोग याद रखें बार बार, ये डायग्राम के जो नेम्स दिए गए हैं वो भी याद रखें, एग्ज़ाम में आप लोगों को इस तरीके से डायग्राम आ सकती है, पूछ सकता है कि ये क्या है कौन सा पैथोजन है और कौन सी डिसीज़ को ये स्प्रेड करता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरीके से हम इससे एहतियाती तदाबीर और इलाज इसके क्या हो सकते हैं। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, यानी बच्चों और बड़ों को निमोनिया से बचने के लिए क्या है टीके लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन अगेन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांस ऑफ कॉजिंग निमोनिया, यानी कि अगर उम्र के पहले साल में ही अगर ये वैक्सीन या टीके लगा दिए जाते हैं कौन से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इनके खिलाफ में अगर हम क्या करते हैं ये दोनों के खिलाफ में अगर उम्र के पहले साल में ही टीके लगाते हैं तो बहुत हद तक जो है हम इससे इसके निमोनिया के चांस को हम रुका सकते हैं। तो ये हो गई है इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसके आगे जो है जितने भी डिसीज़ दिए हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।